हेलो दोस्तों, जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी अप्सरा की साधना लेकर के आया हूँ कि जो बहुत ही सरल है। नाम शायद आपने सुना होगा, लेकिन विधि बिल्कुल अलग है और बहुत ही सरल विधि है। और इस विधि के द्वारा अगर आप साधना करते हो तो आप साधना को बहुत जल्दी सिद्ध कर पाओगे और ज़्यादा आपको परिश्रम की भी ज़रूरत नहीं है। तो साधना बताने से पहले मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि जो व्यक्ति मेरे चैनल पर नए आए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो नई डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और जिससे कि आप उस वीडियो को देख पाएं। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगे, विधि पसंद आए या कुछ सत्यता नज़र आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और एक चीज़ और, कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा है कि साधनाओं के बारे में ही, कि उसके नियम वगैरह। और दरअसल में होता क्या है कि आपने ना एक वीडियो देख ली, अब एक वीडियो में तो सारा कुछ बताना संभव नहीं है। आप वीडियो को देखिए, आप सर्च करिए, उसमें जो वीडियो मैंने डाली हुई हैं उनमें सर्च करिए, कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक भी दिए हुए हैं, वहाँ पर क्लिक करके उन वीडियो को देखिए कि हमें क्या-क्या नियम और निर्देश करने होते हैं। किसी भी अप्सरा को सिद्ध करने के लिए हमें क्या-क्या उसके नियम और निर्देश को पालन करना पड़ता है और क्या-क्या सावधानियाँ उसमें रखनी पड़ती हैं, कैसे-कैसे उसमें विघ्न होते हैं, अनुभव मैंने अपने डाले हुए हैं। मतलब मैंने बहुत कुछ डाला हुआ है जो कि एकदम सत्य और सटीक है, लेकिन फिर भी कमेंट मेरे पास करते हैं कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा कर सकते हैं। भाई, पहले थोड़ा दो चार वीडियो, पांच वीडियो कम से कम आप देख तो लीजिए, अपने माइंड में उसको सर्च तो कीजिए कि क्या क्या इन्होंने डाला है और वीडियो में क्या बोला है, तो उसमें आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। मैं आपको कमेंट में कितना लिख करके बताऊँ, ज़्यादा लिख करके तो मैं बता नहीं सकता। वीडियो में मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन से पूरी बात बताई है, लेकिन अब अगर मैं कमेंट में दूंगा तो कमेंट में कितने वर्ड डाल पाऊँगा, तो पूरी तो मैं बता नहीं सकता उसको। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोई मुझसे पूछता है कि माला कौन सी चाहिए, भाई वीडियो में मैंने बता भी दिया है कि माला ये चाहिए, तो फिर उसकी आवश्यकता ही नहीं है। रुद्राक्ष की माला चल ही नहीं सकती है बिल्कुल भी। एक व्यक्ति ने पूछा था कि रुद्राक्ष की माला चल जाएगी या नहीं चलेगी, तो रुद्राक्ष की माला चल ही नहीं पाएगी, तो उसके लिए अप्सरा माला की ज़रूरत होगी। जो जिस वीडियो में, जिस साधना में, जिस चीज़ का जिक्र किया गया है, जिसकी आवश्यकता है, वही चलेगी, उससे अलग नहीं चलेगी। और वो आपको कहीं भी, आपको दुकान पे मिल जाएगी। और मैंने आपको ना, जो लोग सामान वगैरह चाहते हैं या जिनको पूजा का जो भी उसमें सामग्री लगती है, जो उनको चाहिए, मैं टेलीग्राम पे ना लिंक दे दूंगा एक, उसमें अब आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। और उस ग्रुप में मैंने वहाँ का एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस डाला हुआ है, वहाँ से आप पूरी सामग्री बाई पोस्ट मंगा सकते हो और वो सामग्री मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो पहले गुरु भी बना ले, वहीं पे गुरु दीक्षा ले लें, तो उससे क्या होगा कि आप गुरु दीक्षा भी ले लेंगे और आपका जो भी सामग्री है वो भी आपकी आ जाएगी और वो भी 100% प्रमाणिक होगी। तो इसलिए मैं आपको ना, आपके YouTube में डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं उसमें लिंक दे दूंगा, जो टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे ग्रुप में ना मैंने डाला हुआ है, पूरा एड्रेस डाला हुआ है, फ़ोन नंबर भी डाला हुआ है, बात कर सकते हो और वहाँ से आप ले भी सकते हो।
तो ये तो रही उसकी बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो जिस अप्सरा साधना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, अब उस पर बात आ जाती है। देखिए, अप्सराएं बहुत सी हैं, सभी यौवन सौंदर्य से परिपूर्ण होती है और सभी पूर्ण पोषकत्व देने के साथ साथ ना धन द्रव्य सब कुछ देती है। लेकिन अब तुमसे कोई कहने लगे कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर के, लो जी ये पकड़ो, ये आपको इतने आभूषण दे दिए, इतना धन दे दिया, भाई ऐसे कोई भी शक्ति नहीं देती है, ये आप मान लीजिए। ये सब व्यर्थ की बातें कि कोई ये कहता है कि अप्सरा आकर के उसको धन लुटा करके चली जाएगी, ऐसे नहीं होता है। वो भी कोई ना कोई कर्म तो आपको करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, क्योंकि परमात्मा से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो उन्होंने साफ कहा है कि कर्म तो तुझे करना पड़ेगा। अर्जुन से भी साफ कहा है कि कर्म अर्जुन करना पड़ेगा, युद्ध तो तुझे करना पड़ेगा, तभी तो मरेंगे। मारने के लिए तो मैं एक क्षण में मार दूंगा सबको। लेकिन मेरे कहने का मतलब वही है कि आपको कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिल पाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि जब आप परिश्रम करेंगे तो आपका कारोबार बहुत बढ़ता चला जाएगा। उस तरीके से ये चीज जो शक्तियां होती हैं इस तरीके से आपको देंगी। आप ऐसा सोचें कि आपको ला करके सामने परोस देंगी कि ये लीजिए जी धन द्रव्य, तो ऐसा नहीं होता है। इस लालच में ना पड़े बिल्कुल भी, और ये लालच के वशीभूत होकर के साधना करे भी नहीं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये सत्य बात है, एकदम सटीक है कि कोई भी इस चीज में कोई भी भ्रम न रखे अपना। तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ बात को। तो इसलिए अब मैं इस साधना को आपको बता रहा हूँ। ये साधना अगर आप धन द्रव्य दायक माने तो उसमें जो है ना सबसे पहला स्थान आता है इसका। और धन द्रव्य का मतलब यही है कि आप जो भी कारोबार कर रहे हैं वो मैं उसमें आपको इतनी बढ़ोतरी होगी, इतनी बढ़ोतरी होगी कि बेतहाशा। तो ये अप्सरा उस इस तरीके से काम को करती हैं, कोई भी सकती है। तो इसमें जो है प्रेमिका रूप में ही इसकी साधना की जाएगी, प्रेमिका या मित्र रूप में। और इसका जो है ना आपको किसी भी शुक्रवार से या सोमवार से, इसमें एक दिन और आ गया है सोमवार। हालांकि ज़्यादातर अप्सराओं की साधना जो है वो शुक्रवार से ही की जाती है, लेकिन इसमें आप सोमवार से भी स्टार्ट कर सकते हो इस साधना को। रात्रि को ही करनी है, और इसमें आपको साधना सामग्री की जरूरत पड़ेगी। एक आपको चाहिए रत्न मुक्ता और एक चाहिए आपको मणि की माला। सामग्री आप कहीं से भी ले सकते हो, या फिर मैं जो आपको एड्रेस मैंने आपको बताया आप वहां से भी ले सकते हो, लिंक में बता दिया है मैंने वीडियो में भी, तो आप वहां से संपर्क कर सकते हो। रत्न मुक्ता चाहिए, मणि की माला चाहिए, एक अपने इच्छा अनुसार आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कि आपको ऐसे वस्त्र वैसे वस्त्र पहनने हैं, किसी भी कैसे भी वस्त्र आप धारण कर सकते हो, परंतु स्वच्छ होने चाहिए। बस पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे, समय रात्रि का ही रहेगा, चाहे आप 9 बजे 10 बजे स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इतनी कि भाई आपको रात को 12 बजे ही बैठना है। और आपको क्या करना है, सामने एक कोई भी पात्र ले लेना है, उसमें रत्न मुक्ता जो है उसको आप स्थापित करेंगे, उसमें उसका पूजन करेंगे, इत्र चढ़ाएंगे उस पर, चंदन अक्षत और पुष्प, मतलब इन सब चीज़ों से ज़्यादा नहीं तो पंचोपचार तो कर ही लेंगे भाई। उसको इत्र चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, और आप थोड़े चावल उस पर चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे, अगरबत्ती वगैरह लगाएंगे, एक दीपक लगा लेंगे शुद्ध घृत का। तो इतना तो सभी लोग जानते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं तो इतना तो सभी जानते हैं, सब करते ही हैं इतना तो। तो नॉर्मल आप पूजा करेंगे और एकदम शांत चित्त हो करके, उसके बाद फिर एकदम शांत चित्त हो करके और मणिमाला से आपको 11 माला का जाप करना है। केवल केवल आपको 11 माला का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम रत्नमाला ह्रीम श्रीम ओम। मंत्र दोबारा बता रहा हूँ, ओम श्रीम ह्रीम रत्नमाला ह्रीम श्रीम ओम। ना करेंगे ना
वहीं पे आपको सोना है। और उसके बाद एक दिन आपको जो है सिर्फ 11 माला का जाप करना है। उसके बाद आप सभी सामग्री, जो भी आपकी सामग्री है, उसको आप उठा करके वहाँ से, माला को नहीं करेंगे, माला को रहने देंगे, बाकी और जो भी सामग्री है उसको उठा करके आप कहीं पर भी बहते पानी में सिला देना है, आपको विसर्जित कर देना है उसको। और उसके बाद 21 दिन तक रात्रि में ही, 21 दिन तक उसी मणि माला से आपको जाप करते रहना है, ठीक है। उसी मणि माला से आप जाप करते रहेंगे 21 दिन तक लगातार, 11 माला का जाप करना है, रोज 11 माला का जाप करना है। सामग्री आपने विसर्जित कर दी और सिर्फ आपको मणि माला से ही जाप करना है, बाकी और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ रात में आप जाप करेंगे और सो जाएंगे। सो आप वहां भी सकते हो, वहीं पे सो जाना अच्छा रहेगा। और अगर आप, जैसे मैंने बताया ना कि 21 दिन तक आप आगे आगे जाप करते रहेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा आपके लिए। हालांकि साधना आप एक दिन की करके वहाँ भी समाप्त कर सकते हो। आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि ये अकस्मात धन की प्राप्ति कराती है। ये एक ऐसी अप्सरा है जो आपको अकस्मात धन आपको मिलेगा। अब वो धन कैसे मिलेगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि वो आपको कैसे आपके लिंक हैं, किससे, कहाँ से आपको वो धन प्राप्त कराएगी। किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ है, वहाँ से आपका पैसा निकल आएगा, या आपके माता पिता हैं, वो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है तो वो आपको देंगे। मतलब कहने का ये है, कोई दोस्त है या कहीं आपके कारोबार चल रहा है, उसमें बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपको मतलब कि पैसे आपको दे, मतलब इधर उधर से करके ना आपको काफ़ी कुछ मालामाल रूप में करेगी ये कि भाई हाँ आपको जो है कुछ मिलना चाहिए। तो इस तरीके से इसको रत्नमाला का नाम दिया गया क्योंकि इसका काम ही ये है। और वो तो देखो, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि पैसे तो खैर सब लोग कमाते ही हैं, आते ही हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा भी खूब है लेकिन वो साधना करना चाहते हैं। ऐसी अप्सरा का सहचर्य रूप में रहना ये किसी से कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ी कमाई है। तो ये जो साधना है इसे आप आगे भी कर सकते हो, जितना भी आपका मन करे उतना आप कर सकते हो इसको। इसमें कोई ऐसा विधान नहीं है कि यहीं पे आप समाप्त कर दो इसको। जितना आप जाप करोगे उतना आगे आगे बढ़ता जाएगा। और देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, साधना का मार्ग जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन, दो दिन, 41 दिन, सतत प्रक्रिया का मार्ग है ये। धीरे 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 चलते रहने का मार्ग है ये। आप कहने लगो कि एक दिन में साधना हो जाए या 41 दिन में आपको साधना हो जाए कि सामने जो देवी खड़ी हो जाए आकर के, भाई ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये किसी किसी का भाग्य होता है। और भाग्य भी क्या होता है कि उसके कुछ पूर्व जन्म के ऐसे पुण्य होते हैं कि जो उसको, या फिर पिछले जन्म में भी वो साधक रहा हो तो हो सकता है कि उसके सामने जल्दी प्रकट हो जाए, ये निश्चित है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक मेरे दोस्त ने की थी, यक्षिणी साधना की थी। तो आप क्या, आप कहोगे कि यक्षिणी साधना की थी उसने, लेकिन आप को इतना मैं बता देना चाहता हूं कि साधना करने, संपूर्ण रूप से साधना करने में, प्रत्यक्ष करने में 8 साल लगे थे उसको। 8 साल में जाकर के साधना संपूर्ण हुई थी, 8 साल में उसको प्रत्यक्ष प्रकट हुई थी सामने, अगर प्रत्यक्षता की बात करते हो तो। और कृपा की बात करते हो तो वो तो 40 से 41 दिन में मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि जल्दी हो जाए। भाई जल्दी का कोई मैटर नहीं है इसमें, वो आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, जो साधनात्मक आपका लेवल है, ऊर्जा कितनी है आपके अंदर। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि उसको 8 साल लगे तो दूसरे को भी 8 साल ही लगेंगे।
किसी को 1 साल में भी हो सकती है, किसी को 2 महीने में भी हो सकती है प्रत्यक्ष, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मैं एक आपको उदाहरण मैंने दिया है कि उसको 8 साल लगे करने में। क्यों लगे? क्योंकि उसका साधनात्मक लेवल इतना अच्छा नहीं था, धीरे धीरे साधनात्मक लेवल उसका बढ़ता गया तो लास्ट में जा करके उसको दर्शन हुए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में उतावलापन जरूरी नहीं है। बहुत आप उतावलापन करोगे, जल्दी करोगे तो नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति ने अभी मेरे पास में वही कमेंट किया था कि भाई मुझे साधना में गुरुदेव ये साधना आपने ऐसी डाली हुई है, मुझे तो कितने दिन हो गए, मैंने दुर्गा जी की साधना कर ली, मैंने वहाँ की साधना कर ली, मुझे आज तक कुछ नहीं दर्शन नहीं हुए, कोई अनुभव नहीं हुआ। भाई आप ना उसको थोड़ा सा मन से लीजिए, दिल से कीजिए, ये मैं बता देना चाहता हूँ। बाकी तो ऐसा नहीं है, साधनात्मक लेवल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो अनुभव तो होंगे ही होंगे, वो 100% है। तो मैंने साधना आपको बता दी है, आप ले सकते हैं, कहीं जो मैं आपको एड्रेस दूंगा वहाँ से आप सामग्री भी ले सकते हैं और गुरु मंत्र गुरु दीक्षा भी वहाँ से ले सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहूँगा, तो बोलिए मेरे साथ में। और हाँ एक बात और, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पूरी देखें तभी आपको समझ में आ पाएगा, कोई भी वीडियो मेरी देखें तो पूरी देखें, क्योंकि उसमें मैंने पता नहीं कि मैंने कहाँ पे क्या बोल दिया है। कभी कभी आगे की बात बोलना शुरुआत में होता है, मैं बोल पीछे देता हूँ, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की